ओके गुड आफ्टरनून। ओके सो लेट अस वंस अगेन स्टार्ट। वी वर डूइंग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन। लेट मी आस्क रोशनी रोशनी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम रोशनी, एंड वीडियो यस शुड सर। बी ऑन ना। आई एम फाइंडिंग ऑल वीडियोस। अरे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? सब वीडियो चालू करो। हाँ बोलो। सो वी इज इक्वल्स टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। लवली, ओके लेट मी आस्क कौन इन यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM? K इज इक्वल टू नहीं, F इज इक्वल टू माइनस KX। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, F इज इक्वल टू माइनस KX। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, कौन इन कुरेशी। और वीडियो चालू नहीं किया तुमने, मैं निकालता हूं तुमको, तुरंत निकालूंगा मैं। रोज रोज एक बात बोलूं क्या? और कौन है वीडियो चालू नहीं करने वाला? नीता तुम नहीं आई हो, वीडियो चालू कर लो बेटा। हाँ हाँ बोलो, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? हुसैन दानी ना। D2X हाँ यस राइट, बोल X बोलो हुसैन। square X upon DX square plus K by M into X is equal to 0। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। वेरी गुड हुसैन। कौन है तुम, आंसर कभी आंसर नहीं देती हो आप। वो जो आंसर दे रही थी F इक्वल टू माइनस के एक्स, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ SHM का है। ओके चलो, हम लोग कर रहे थे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग, यानी ये कौन सा मोशन है, SHM। तो v इक्वल प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस वी पुट इट हियर। तो कैन आई राइट दिस इज हाफ एम v स्क्वायर के बदले ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट, एनी डाउट? बट व्हाट इज एम ओमेगा स्क्वायर? एम ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट के। जीतू आपका वीडियो, सर एक मिनट सर, सर सर प्लीज एक मिनट सर। एक्चुअली सर मेरा वो ये लैपटॉप में सर जूम वो अपडेट, सर सर वो अपडेट हो रहा है सर। वैष्णवी सर वो एक सेकंड में वो अपडेट हो जाएगा, फिर मैं ऑन करता हूँ। वैष्णवी एक मिनट, आपका वीडियो क्यों बंद है? दिस इज द सर, आई वाज एडजस्टिंग माय वीडियो। ओके एडजस्ट करो फास्ट। This equation is the kinetic energy which you have to learn by heart. Learn by heart. Equation for kinetic energy. अगर कभी मैंने पूछा, come on tell me formula for kinetic energy of a particle performing SHM, तो आपको बोलना है KE equal to, पहले KE equal to बोलना, खाली half नहीं, KE equal to half K a square minus h square. Alright, this is the formula for kinetic energy. Okonen बोल kinetic energy का formula. कौन इन कुरेशी, यस सर बोल। जीतू तुम बोलो। 1/2 के नहीं, हाँ 1/2 K a square minus x square. That's the answer. Okay. Now, when x equal to zero, कोई मुझे बताएगा ओम मिस्त्री, जब x zero होता है तो पार्टिकल क्या होते हैं? When x is zero, पार्टिकल
mean position. That's right. If I put x equal to 0 here, so kinetic energy will become half k a square. In fact, this kinetic energy is maximum. And tell me when x is plus or minus a. अरे मार शेक प्लस और माइनस ए का मतलब पार्टिकल कहां पे है मार शेक मार्ज इज देयर और नॉट जस्ट टेल मी मार्ज इज देयर और नॉट आई थिंक आई विल रिमूव कोनन कुरेशी I removed Conan Qureshi because her video was not on. Asif ka, Aska ka, phir Neeta, please video chalu karo. Ritika Prasad, video chalu karo. Tera jyada abhi ye ho raha hai, kya bolte hain? You are not listening. Maine isko nikala hai Conan ko. So my video is on. Okay. When x is plus or minus, particle kahan pe hote hain? Extreme position. That is right. So kinetic energy, dekho, a half k a square, x ke badle plus or minus se rakhenge, to square will be a square minus a square will be zero. So kinetic energy is minimum equal to zero. So ye aa gaya formula kiska? Kinetic energy ka maximum value, half k a square, minimum value, zero. मैक्सिमम का होता है मीन पोजीशन पे जीरो का होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जनरल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर अगर कोई कहे कि इसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करो इसको काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना तो ग्राफ में ऐसे बनाता हूं देखो ये मीन पोजीशन ये राइट एक्सट्रीम ये कौन सा एक्सट्रीम ये लेफ्ट एक्सट्रीम एट द मीन पोजीशन Kinetic energy is half k a square. Suppose this much height, blue wala leta hun for kinetic energy. This height suppose represents half k a square. So if I plot a graph, graph will work out like this. That means what happens, you know, we can see that one thing, ki maximum pe kinetic energy, sorry, mean position pe kinetic energy sabse jyada. As you go away from mean position on either side, kinetic energy goes on decreasing, 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 last point becomes zero. Ye conclusion ab draw kar sakte hain for the graph of kinetic energy. Now we'll do the formula for potential energy. You remember work done is called potential energy. Hamesha hi dhyan rakhna, work also is a form of potential energy. Suppose this is mean position. There is a particle at a distance x from mean position. So, you know, restoring force F is nothing but minus kx, which you already know by mathematical definition. F equal to what? Minus kx. Now, suppose particle is given a very small infinite decimal displacement dx against the direction of this force. Against the direction, मतलब force ये बाजू, लेकिन हम लोग टिप टिप खींच रहे हैं उसके ये बाजू, मतलब work done will be positive or negative? Work done will be negative. Work का formula होता है F into dx, but since force and displacement dx are opposite in direction, so work done will be minus F into dx. But F के बदले क्या लिखूं? Minus kx. Therefore dw will be minus of minus kx dx. And that is equal to kx dx. This is the formula for small work. How to find the entire work then? Anybody? No, you know, choti cheez malum ho to badi cheez kaise find out karne ki? Integration. Integration, and therefore total work done or potential energy, which is nothing but equal to total work done, is nothing but integration of dw. From 0 to x, क्योंकि displacement पहले 0 था बाद में x हो गया, and that is equal to integration from 0 to x, kx dx, and you know किसको याद है
मुझे रोशनी क्या बताओगी x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने दिया ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x dx. ओके आसिफ आपका माइक चालू हुआ? तो बस यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, दैट इज इक्वल टू k इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 टू x. और जब भी इधर से इधर कुछ रहता है ना तो प्लस ही नहीं आता है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. इसका आंसर आएगा हाफ k x स्क्वायर. And therefore potential energy का formula जो कि आपको learn बाहर करना है is nothing but half k x square. You have to learn by heart. अगर मैंने कभी आपको पूछा tell me formula for potential energy तो आपको देना है answer, क्या answer देना है? Half k x square. और अगर kinetic energy पूछा तो half k into bracket a square minus x square. All right. I would like to ask Vaishnavi. Yes, sir. What is the formula for kinetic energy? Half k bracket a square minus x square. That is right. I would like to ask Mahat Sony, na? Roshni, what is the formula for potential energy? So half k x square. That is right. Murtaja, are you there? Murtaja, I think Murtaja or Mahat dono gaye hue. Okay. Tell me, when x equal to 0, if I put x equal to 0, pehle to particle kaun si position pe hota hai? X equal to 0 yaane aska x equal to 0 yaane particle kahan pe hai? Aska. Okay. When x equal to 0, particle kahan pe hai, Ushna? The mean position. That is right. When x equal to 0, particle is at mean position. So what is the potential energy? Half k into 0 square, which is 0. The potential energy is minimum. When x equal to plus or minus a, Vidhi, where is the particle? Vidhi Bhatt? Sir, extreme end. That is right. So potential energy will be maximum क्योंकि plus or minus a का square तो will become half. आया वीडियो सा वीडियो बंद हो गया आपका. आया वीडियो बंद हो गया. हो गया चलो कैसे बंद हो गया ना? Okay okay ठीक है. Thank you very much. Okay welcome. We draw graph of potential energy लाल पेन से. When x is 0, potential energy is 0. तो यहाँ पे एक point दिया आएगा. When x is plus है और minus है, half k square. यानी इसी height पे. यहाँ पे एक point और यहाँ पे एक point. So if you, this is what is graph of potential energy. Potential energy. And this is the graph of उल्टा मीन पोजिशन पे मैक्सिमम, बट जैसे जैसे दूर जाता है काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट बिकम जीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन. All right. अब हम इसके बाद इतने जगह में हो जाएगा. We find the value of what is total energy at any point. Total energy. Can you see sum of kinetic energy plus potential energy? That is half k
a square minus x square plus half k x square. Half k a square minus x square plus half k x square. We'll take half k common. So under aayega a square minus x square plus x square. So minus x square plus x square will get cancelled and that is nothing but half k square. Total energy ka formula agar koi puche aapse, what is the formula for total energy? So you will have to say it is nothing but half k square. It is nothing but half a square. That is the formula for total energy. Total energy. All right. Okay. देखो अब total energy का क्या बोले ना भाई graph draw करो total energy का मैं green pen से draw करता हूँ कोई मुझे बताएगा मैं x equal to zero What is the formula? What is the value of total energy? X equal to zero. Graph ये इस formula से कौन बताएगा मुझे? अस्का शेख है क्या अभी तक? अस्का are you there? अस्का are you there? Yes no? अस्का are you there or no? अरे हाँ ना तो बोल सर शी इज देयर यू डिस्कनेक्टेड अ लैपटॉप व्हाट आई डिड सर शी सेइंग शी स्पीकिंग शी स्पीकिंग किधर दिखाई देता है मेरे को तो तुम दिखाई दे रही हो अभी प्रॉपर एकदम वेयर इज शी कैम वाज ऑन इन अ लैपटॉप एंड यू डिस्कनेक्टेड दैट क्या लेकिन आती ही नहीं अब कभी भी मैं कोशिश करता हूँ अस्का को पूछना मतलब ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट इम्पॉसिबल मैं इसको भी निकाल देता हूँ ये भी बिकॉज आई डू नॉट वांट हर टू कभी जब मन करता है तब वो आती है ऐसे थोड़ी चलेगा यू हैव टू रिमेन प्रेजेंट एंड यू हैव टू टेक एक्टिव पार्ट किधर गई देखो उसका सब बंद पड़ा है सर एवरीवन पे मैसेज कर रही है वो सर शी इज मैसेज क्या मैसेज कर रही है क्या मैसेज मेरे को पढ़ा नहीं है बोलो क्या मैसेज है अरे क्या मैसेज है सेड मी इन पोजीशन ट्वाइस क्या शी आंसर्ड मी इन पोजीशन ट्वाइस नहीं ऐसे नहीं मुंह से बोलने का मैसेज मैं कहां मैसेज देखता बैठूंगा आई एम गोइंग टू रिमूव हर सर उसका माइक बंद कर दिया आपने माइक बंद कर रोज रोज हमेशा का लफड़ा है उसका अपने आप ठीक करेगी और फिर आएगी आई डू नॉट लाइक दैट क्लास में मैं परेशान हो जाऊं बोल 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 करके पांच मिनट निकाल हर रोज मार्च ये मार्च की आवाज लग रही थी मेरे को मार्च तुम आए क्या मार्च शेख ओ मार्च शेख यस सर किधर थे इतना टाइम सर जूम डाउनलोड कर रहा था अरे सब लेक्चर के टाइम पे याद आता है तुमको जूम डाउनलोड करना है ओम मिस्त्री व्हेन x इक्वल टू 0 कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी पार्टिकल एट मीन पोजीशन ओम मिस्त्री नहीं आता है तो ना बोलो सर नहीं आता है कर दो हाँ बोल आई सेड डोंट नो ओके यू डोंट नो आई वुड लाइक टू आस्क अफीन सैयद व्हेन एक्स इक्वल टू 0 व्हाट इज द टोटल एनर्जी सो इज इट 0 इट इज 0 ओके आई वुड लाइक टू आस्क विधि भट्ट विधि भट्ट व्हेन एक्स इक्वल टू 0 व्हाट इज टोटल एनर्जी विधि भट्ट सर नहीं आता तो ना बोल नो सर आई डोंट नो वो भी चलेगा सर आई डोंट नो ओके आई लाइक दिस देखो इधर देखो जब x इक्वल टू 0 था तो मैंने x 0 यहां पे रखा था फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो मुझे आंसर मिला था हाफ के स्क्वायर जब मुझे
एक्सट्रीम पोजीशन पे चाहिए था तो x के बदले प्लस और माइनस से रखा था तो मुझे जीरो मिला था। जब x इक्वल टू जीरो यहाँ रखा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जब प्लस और माइनस से रखा तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, जब x इज जीरो तो टोटल एनर्जी का आंसर क्या होगा? यहाँ पे x इक्वल टू जीरो रखो। हु कैन टेल मी नाउ? आसिफ, आसिफ नाम बोल प्रिशा, मेरे को वेटिंग पीरियड में नहीं रखने का। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इस पर, व्हेन एक्स इज एनी वैल्यू, चाहे जीरो हो, प्लस ए हो, माइनस ए हो, ए बाई टू हो, माइनस ए बाई टू हो, टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज ऑलवेज, एनीबडी, ऑलवेज व्हाट शुड आई राइट हियर? कांस्टेंट। दैट्स राइट, टोटल एनर्जी डज नॉट चेंज, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर कोई बोलेगा ग्राफ बनाओ तो ये रहा ग्राफ ब्लैक वाला, दिस इज द टोटल, क्योंकि टोटल एनर्जी कहीं पे भी देखो तो हाफ के इस पर, कहीं पे भी देखो तो हाफ के इस पर, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स द टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज कंजर्व्ड, इट डज नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, बट दोनों का मिलन जब होता है तो टोटल एनर्जी का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, लाइक दैट। जैसे अगर टोटल एनर्जी 100, अगर काइनेटिक एनर्जी 40 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 60 होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी 20 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 80 होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 80 होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 100 होगी, सच दैट दिस प्लस दिस ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। दिस इज जस्ट इन वैल्यू से एक्सप्लेन किया मैंने, तो दैट मीन्स टोटल एनर्जी एसएचएम डज नॉट चेंज, इट इज कांस्टेंट। एक बार फिर से एंटायर डिस्क्रिप्शन आपके सामने, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जैसे ही क्वेश्चन बोलो सीधा आंसर दो, आई कैन नॉट कीप वेटिंग, अरे बोल फिर आएगा बोलेगा वापस करो, रिपीट क्वेश्चन करो, सीधा निकाल दूंगा, पूरा अटेंशन रखो क्लास में, क्वेश्चन पूछने के बाद सर रिपीट योर क्वेश्चन, तो ये और टाइम वेस्टेज। ओके, अंडरस्टैंड, our aim is to derive expression for kinetic energy, potential energy and total energy of a particle performing what, isko kya bolte hain, isko kya bolte hain, shm, kaun sa motion bolte hain, shm, that's right, we know velocity is plus minus omega root of a square minus x square, squaring both the sides we get v square equal to omega square a square minus x square, kinetic energy formula we know is half mv square, but what is v square, omega square a square minus x square, but what is m omega square k, so kinetic energy ka general formula is half k a square minus x square, when x equal to 0 so what is kinetic energy, maximum equal to half k a square, when x is plus or minus a kinetic energy is minimum equal to 0, so ye dekho ye graph, mean position pe is maximum half k a square and extreme position pe is 0, graph aisa, matlab yahan pe jab particle aise aise ja raha hota hai na तो यहाँ पे सबसे तेज वेलोसिटी होती है उसकी, और फिर धीरे 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 वेलोसिटी कम होती है, जीरो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आते आते रेस पे जाते, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ब्लू वाला पार्ट, ऑलराइट, नाउ कम टू पोटेंशियल एनर्जी, सपोज पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मेन पोजीशन, रीस्टोरिंग फोर्स वी नो इज गिवन बाय इक्वल टू माइनस kx, नाउ सपोज पार्टिकल इज गिवन अ वेरी स्मॉल इनफाइनाइट डेसिमल डिस्प्लेसमेंट dx against the direction of this force, the work done
will be minus F into dx. Why minus sign? Because restoring force and displacement are opposite in direction. F ke badle we'll write minus kx dx. So that is equal to minus minus plus kx dx. It's chota work. Entire work done is called potential energy. And potential energy is nothing but equal to entire work done, integration of dw from 0 to x. 0 to x, dw ke badle kx dx. K ko bahar liya, integration of x dx. Aur answer aaya, isko directly learn by heart, half kx square. Matlab, half k, ye isko ye x square and another half kx square. When x is 0, potential energy is minimum equal to 0. When x is plus or minus a, potential energy is maximum equal to half k a square. What is total energy? Is sum of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy ye raha, potential energy ye raha, half k common, andar aega a square minus x square plus x square. So half k a square, total energy is half k a square. Thus total energy in SHM is conserved because total energy does not depend on x. X hai hi nahi uske paas. Jab x pe depend hi nahi karta hai, to total energy will always remain constant. Total energy will always remain constant. So ye hai total energy and ye total energy aise aata hai. And isko kabhi kabhi style mein bolte hain, hence total energy in SHM is conserved. Dekho mere teen formula puchne wala hu. Neeta tum bhi dhyan se suno. Neeta, काइनेटिक एनर्जी अगर पूछूंगा तो आपको बोलना है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नीता बोलो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. नीता नीता चौधरी नहीं बोल रही. चलो नहीं है तो शी इज अ न्यू स्टूडेंट दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एक्शन. ओके जीतू. Yes, sir. So what is the formula for total energy? Sir, total energy. Sir, wo potential energy. Main ko malum nahi, main total energy puch raha hu. What is total energy? Ha, sir, total energy half k square. Half k? A square. That's right. Aur mere favorite formula bata de. What is MI of a rod? Wait, man. Sir, MI of a rod, sir, is 2, sir. Center mein, sir, ML square by 12, or sir, the और सर जो एक्सिस को जो सर एक्सिस पे एक्सिस वो सर है एमएल स्क्वायर बाय 3. दैट्स राइट. ओके नाउ लेट मी आस्क रितिका चौरसिया. रितिका चौरसिया सर. रितिका प्रसाद. अरे रितिका प्रसाद. रितिका चौरसिया एक स्टूडेंट थी पूरा पहले तो वो याद में रह जाती है. रितिका प्रसाद व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर. That's right. What is the formula for maximum kinetic energy? Let me ask Hussain Dagina. Maximum kinetic energy ka formula. Yes, sir. Half k a square minus x. Huh? Maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy. Nahin, beta. Yes, sir. Half k a square. Konin Qureshi. Konin Qureshi. Hello. Yeah. Yes, sir. What is the formula for solid sphere? MI of a solid sphere. Chal, answer nahi aayega, chalega. Lekin you are coming and appearing. That is sufficient for me. Lekin mujhe bolne ka, yes, sir. Itna bhi bolne ka, you are coming. That's very bad answer. Okay. अरे जीतू बता दे दुनिया को. 2/5 mR² क्या बोलेंगे क्या एक एक लाइन. मेरे को तो लगता है तुम डॉक्टर बनोगी और पेशेंट को दिया होगा 10 बजे का टाइम पहुंचोगी 12 बजे. बोले भी सो गई थी मैं तब तक पेशेंट लुढ़क गया होगा. डॉक्टर तो बनने दो. अरे डॉक्टर बनने के लक्षण ही नहीं है. अभी तुम क्लास में नहीं आती हो टाइम पे. कॉलेज के लेक्चर बंक मारती हो. हमको बोलती हो कॉलेज में लेक्चर अटेंड करती हो. सर कॉलेज में साइको का लेक्चर था. मैंने साइको वाला लेक्चर नहीं लिया. मैंने इकोनॉमिक्स लिया. साइको नहीं था. बायो लेक्चर था. बायो नहीं वो साइको था. इट वाज साइको. नीता ने मेरे को बताया इट इज बायो लेक्चर. चलो एनीवे तुम्हारे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी नहीं है कि तुम डॉक्टर बन सको. अभी भी वक्त है. टाइम टू टाइम आओ लेक्चर में पार्टिसिपेट करो. नहीं आता है ना बोलो सर आई एम नॉट गेटिंग. एकदम फटाफट बोलो. ले तो अच्छा लगेगा मेरे को. हाँ 100% आना जरूरी नहीं कि आंसर आना ही चाहिए.
लेट आना, आंसर नहीं देना, झूठ बोलना हर बात पे, दीज आर नॉट साइंस ऑफ गुड यू बिकमिंग अ डॉक्टर. सब पेशेंट पट 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 उड़ते जाएंगे ऊपर, टकाटक बोले कौन इनके पास गया है तो जाएगा, 100% जाने वाला है ऊपर. ओके, तो ये हो गई बात किसकी, ये बात. हाँ एक बात और बता देता हूँ, कभी कभी बोलते शो दैट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पीरियड. बड़े अजीब क्वेश्चन पूछते हैं. तो टोटल एनर्जी वी नो इज हाफ के ए स्क्वायर, वी नो दिस. के बदले मार्च पे क्या लिख सकता हूँ, सो दैट ओमेगा कम्स. मार्च एक के बदले क्या लिखूं, के बदले ओमेगा लाने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करूं, मार्च एक कर ओमेगा. यस मार्च है कि नहीं, यस yes, कौन बोला, यस सर वो. हाँ बोल क्या लिखूं के बदले बेटा, सर डोंट नो. चलो मैं दूसरे को पूछता हूँ. हाँ यस यू कैन बोल. एम ओमेगा स्क्वायर. माय गॉड सुपर्ब आंसर. तो के बदले एम ओमेगा स्क्वायर. हु वाज दैट स्टूडेंट नाम, मेरे को आवाज पहचानी. रितिका प्रसाद. रितिका प्रसाद लवली आंसर. रितिका ने अच्छा प्रसाद दिया. ओमेगा का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी और पीरियड के साथ क्या है, That will be told to be by oh mystery. Omega का period के साथ क्या है formula, frequency के साथ क्या है formula? Oh mystery. Important formula. बोल. नहीं मालूम. अरे यार कितना important formula है ये, तुम लोग कैसे भूल जाते हो. जीतू तुम बताओ पूरी क्लास को ओमेगा का फॉर्मूला पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है. जी टू सर 2 पाई बाय टी. यस और दूसरा फ्रीक्वेंसी के साथ सर 2 पाई एन. लवली आंसर आई अप्रिशिएट. ये कुछ बात हुई तो 2 पाई एन का होल स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर सो दैट इज हाफ एन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर. And therefore, we can say total energy is directly proportional to square of frequency. But n is 1 by t, so that means inversely proportional to square of period. ऐसा कुछ आए तो ये extra कर देना. बस, फटाफट. Very good, Jitu. Total energy is half k a square. Half k के बदले लिखा हमने m omega square a square. Omega के बदले 2 pi by t और 2 pi. Suppose मैंने 2 pi पहले लिखा, तो 2 pi का square. तो इसका square n square यहाँ बचता है तो total energy is proportional to n square but n is 1 by t तो inverse is proportional to square of period. ये अगर आया तो लिखना, problem में भी काफी काम की चीज है ये. alright तो अब हम बढ़ते आगे, हम लोग करते हैं सिंपल पांडुलम. अब हम करेंगे एक अगला पार्ट which is called सिंपल पांडुलम. okay I'll explain something and I'm going to ask. लेकिन मैं बीच बीच में फॉर्मूला पूछना भूल जाऊंगा तो तुम भूलना चालू कर दोगे. कॉलन कुरेशी व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. कौन है सर आप मेरे पीछे ही पड़ गए हैं. हाँ बोल बोल. dx by dt. या वेरी गुड बहुत अच्छा स्टार्ट है. माइनस k या x स्क्वायर या हाँ या इसके आगे नहीं आता है. इसके आगे नहीं आता है आपका पूरा आंसर होंगे. प्रिशा शेट्टी डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम बताओ. अभी बताया, अभी पूछा था आज के लेक्चर में 15 मिनट पहले, फिर किसी नए स्टूडेंट ने आंसर दिया. मैं बोला आप तो देख लिया होगा लेकिन तुम तो खोई रहती हो. अरे हमसे मस्त किधर खोई रहती हो मालूम नहीं. प्रिशा शेट्टी हाँ बोल. सर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू. नहीं ओमेगा स्क्वायर नहीं है, उसके बदले क्या लिखते हैं तुम टेक्स्ट बुक देख रहे हो शायद. के बाय के स्लोप ये आंसर. वेरी गुड प्रिशा शेट्टी, वेरी गुड आंसर बाय यू.
ओके तो ये अभी कोनन देख ले, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तुम डॉक्टर की दवाई देके भूल जाओगी कौन सी दी थी, तो दूसरे दिन दूसरी दवाई, तीसरे दिन तीसरी दवाई, खल्लास ऊपर बोले कि मेरे को याद नहीं रहता है मैं दवाई तेरी बीमारी कौन सी है, वो कोई दूसरी चीज का इलाज कराने आएगा तुम कुछ दूसरा इलाज करके उसको भेज दोगी, क्या कर रही हो यार। ओके सिंपल पेंडुलम, अब एक क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। देखो एक बात ध्यान रखना, वर्ड आइडियल जब भी आए ना तो समझ जाने का दैट विल नेवर एग्जिस्ट, होगा ही नहीं ऐसा कोई। अब ऐसी क्या खास बात है कि आइडियल नहीं होता, जैसे आइडियल बैट्समैन इन क्रिकेट इज अ बैट्समैन हु नोज ओनली टू हिट सिक्सेस, कोई भी बॉल जाएगा सिक्स 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 के सिवा आता नहीं है, ऐसा बैट्समैन होता ही नहीं है। तो पेंडुलम में ऐसी क्या खास बात है कि जो आइडियल है, सुनो आई एम गोइंग टू आस्क कॉनन बी केयरफुल, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ heavy point mass, heavy point mass मतलब point है और बहुत heavy है, इतना heavy है कि उठा नहीं सको, suspended by means of weightless spring। ideal pendulum, simple pendulum में क्या होता है, heavy point mass होता है, weightless spring होता है which is attached to a rigid support। अब एक बात बताओ मुझे, क्या एक छोटा सा पॉइंट और बहुत हैवी पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। अपन ऐसा बोलेंगे ना इतना छोटा सा पॉइंट है लेकिन कोई उठा ही नहीं सकता इतना भारी है, तो सब हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगे, बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कुछ होता है। सिमिलरली यू कैनॉट हैव वेटलेस स्ट्रिंग, यस ये बोल सकते सर लाइट स्ट्रिंग है, हल्की स्ट्रिंग है एकदम, लेकिन वेटलेस नो, एंड देयरफॉर सच अ पेंडुलम डू नॉट एग्जिस्ट। क्या दो प्रॉब्लम है, एक तो हैवी पॉइंट मास और दूसरा वेटलेस, हैवी पॉइंट मास और दूसरा वेटलेस। वैष्णवी क्या दो प्रॉब्लम है बोल, हैवी पॉइंट मास एंड वेटलेस, दैट इज राइट। सो देयरफॉर प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल बट हैवी, स्मॉल बट हैवी मेटल स्फीयर व्हिच इज कॉल्ड बॉब, स्मॉल बट हैवी मेटल स्फीयर व्हिच इज कॉल्ड बॉब, सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग, सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग, एंड रिमेंबर length of the pendulum is distance from point of suspension to the center of mass of the ball. ये क्या है center of mass, वहां तक का जो होता है उसको बोलेंगे length of the pendulum, string की length को नहीं, string की length plus radius of the sphere तब जाए उसको बोलेंगे length of the pendulum, यानी कि center of mass तक जाने का, radius नहीं बोलने का, center of mass of the ball। एक बार फिर से इतनी बात पूछूंगा, आई एम गोइंग टू आस्क आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ अ वेटलेस स्ट्रिंग, बट इन प्रैक्टिकल वी कैनॉट हैव हैवी पॉइंट मास नॉर वी कैन हैव वेटलेस स्ट्रिंग, देयरफॉर प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बट हैवी मेटल स्फीयर व्हिच इज कॉल्ड बॉब सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ लाइट स्ट्रिंग, and length of the pendulum is distance from point of suspension to the center of mass of the bob। हमारे पास वक्त बहुत कम है,